नमस्कार, मैं मंजू मीना, महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज हमारा टॉपिक है टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजीज़ समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब जब कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हों, और कंप्यूटर आपस में हम क्यों जोड़ते हैं, ताकि हम सूचना का आदान प्रदान कर सकें, सूचना एक जगह से हम दूसरी जगह भेज सकें। तो कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा क्या हुई, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हों ताकि सूचना का आदान प्रदान कर सकें, तो वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन से हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है, लैन, मैन और वैन। लैन का मतलब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन छोटा होता है, जब एक लैब, एक ऑफिस, एक कैंपस के कंप्यूटर आपस में जुड़े हों ताकि सूचना का आदान प्रदान कर सकें, तो वो नेटवर्क कहलाता है लैन। इसी प्रकार जब एक शहर के कंप्यूटर जुड़े हों और सूचना का आदान प्रदान कर रहे हों, तो वो कहलाता है मैन। इसकी लिमिट, लैन की लिमिट तो 5 किलोमीटर तक, और मैन की लिमिट 50 किलोमीटर तक हो जाती है। और जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें हमारी पूरी दुनिया आ जाती है। इसी की वजह से हम पूरी दुनिया में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, जो आज की डेट में हम कैसे कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट किसका एग्जांपल है, वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का। इंटरनेट में हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के सूचना का आदान प्रदान करते हैं, एक जगह से डेटा दूसरी जगह भेजते हैं, चाहे वो ईमेल के फॉर्म में भेजें, चाहे वो इमेज भेजें, चाहे हम कैसे भी भेजें या वीडियो देखें, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है। तो वो इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का। अब तक हमने देखा कि कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो वो कहलाता है नेटवर्क, पर वो किस प्रकार जुड़े हुए होते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, वो कहलाता है टोपोलॉजीज़। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार व्यवस्थित हैं, वो कहलाता है टोपोलॉजीज, तंत्र की व्यवस्था हुई टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजीज पढ़ेंगे आज हम लोग, यानी कि तंत्र की व्यवस्था पढ़ेंगे कि कंप्यूटर आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज देखेंगे, 5 प्रकार की टोपोलॉजीज होती हैं। कौन कौन सी हुई, स्टार, ट्री, मैश, रिंग और बस। ठीक है, ये 5 प्रकार की टोपोलॉजीज हैं अपनी, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सारे क्या है कि कंप्यूटर इसमें अलग अलग प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी समझेंगे अब हम लोग। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय डिवाइस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं। उससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। हब क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं। ये हमारे कंप्यूटर हैं, ये हब से जुड़े हुए हैं। तो ये जो हुआ, ये सेंट्रल डिवाइस हुआ। ठीक है, सेंट्रल डिवाइस कहूँ या हब कहूँ, बात एक ही है। हब एक डिवाइस होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के शेप में होता है, और इसमें पीछे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर 2, ये कंप्यूटर 3, ये कंप्यूटर 4, ये कंप्यूटर 5 है। और सारे कंप्यूटर इसी हब के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। किस प्रकार, जैसे सपोज करिए कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 5 को डेटा ट्रांसफ़र करना है। किसको करना है, कंप्यूटर 1 को 5 को करना है। तो डेटा कैसे जाएगा, जो 1 वाला कंप्यूटर है वो इस वाले डिवाइस को देगा, और ये वाला डिवाइस 5 को देगा। तो हर डेटा किसके थ्रू जा रहा है, इस सेंट्रल डिवाइस के थ्रू जा रहा है, यानी कि हब के थ्रू जा रहा है। अगर सपोज करो 2 वाला 3 को भेजना चाहता है, तो 2 पहले हब को देगा, और हब फिर किसको देगा, 3 को देगा। तो हर जो डेटा है वो किसके थ्रू जा रहा है, सेंट्रल डिवाइस के थ्रू। इसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस कैसे, अब देखो, अगर हमें नया कंप्यूटर जोड़ना है तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक नया कंप्यूटर लिया और उसे हब से जोड़ दिया, एक नया कंप्यूटर लिया और उसे हब से जोड़ दिया, तो इसमें हमें सोचना नहीं पड़ता कंप्यूटर जोड़ने से पहले। ये इसका फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ क्या है,
एक ही जना है जो सारे काम कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सब कुछ अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही डिवाइस है जो इन सब चीज़ों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसको बनाना आसान है, इसको मेंटेन करना आसान है, इसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है और इसका इंस्टॉलेशन आसान है। पर इसके डिसएडवांटेज क्या हुए? इसके डिसएडवांटेज ये हुए कि सपोज़ करो जिस समय 2 वाला डेटा 3 को भेजना चाह रहा था, उसी समय 4 वाला भी 3 को भेजना चाह रहा था, तो ये क्या हुआ कि अब हब किसको पहले भेजेगा, 2 से डेटा लेके 3 को भेजेगा या 4 से डेटा लेके 3 को भेजेगा? तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, कंजेशन हो जाता है। मतलब ये डिवाइस थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है कि भाई उसको डेटा, दोनों का डेटा लेना है और 3 वाले कंप्यूटर का भेजना है। तो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कंजेशन प्रॉब्लम रहती है, यानी कि कई बार ब्लॉकेज हो जाता है डेटा भेजते समय। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि एक सेंट्रल डिवाइस है, इससे मॉनिटरिंग अच्छी हो गई, सिक्योरिटी अच्छी होगी, पर ड्रॉबैक ये हुआ कि एक ही डिवाइस है जिससे सारी चीज़ें कंट्रोल होनी है, तो हम लिमिटेड अमाउंट में ही कंप्यूटर इससे कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीमा से आगे हम नहीं बढ़ सकते। अगर छोटा नेटवर्क है जैसे कि लैन है, तो हम ये वाली टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड टोपोलॉजी देखेंगे, कौन सी देखेंगे, इसके बाद थी हमारी ट्री टोपोलॉजी। जैसे स्टार टोपोलॉजी देखी, तो स्टार टोपोलॉजी लैन में यूज़ होती है, स्टार ट्री बस स्टार बस रिंग ये सारी जो है लैन में यूज़ होती है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक रूट कंप्यूटर होता है जिससे कि क्या होती है, ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, इसको हम रूट कंप्यूटर कहते हैं या मेन कंप्यूटर कहते हैं, एक ही बात है। ये वापस दो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये नेटवर्क आगे बढ़ता जाता है, इसके नीचे दो जुड़ जाएंगे, सेम इसके नीचे दो जुड़ जाएंगे, ऐसे ही इसके नीचे और जुड़ जाएगा, तो ये नेटवर्क जितनी ज़रूरत है उतना हम बढ़ा सकते हैं। ये हमारा कहलाता है रूट कंप्यूटर। ये होती है हमारी ब्रांचेस, ये ब्रांचेस दोबारा किसमें बटी हुई होती हैं, सब ब्रांचेस में। ठीक है, अगर इसके अंदर क्या है, ये मेन कंप्यूटर है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि नेटवर्क कितनी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं, जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी हम इसको बढ़ा लेंगे। एक और फ़ायदा ये है कि हर जो कंप्यूटर है उसे सिर्फ अपने नीचे वाले दो कंप्यूटर को देखना है, यानी ये वाला सिर्फ इन दो को देखेगा, ये वाला अपने नीचे दो को देखेगा, ये वाला अपने नीचे दो को देखेगा, तो काम किसी को भी ज़्यादा नहीं करना है, सबको क्या करना है, बराबर बराबर, जो उसके नीचे दो हैं सिर्फ उसको चेक करना है, उसकी वर्किंग चेक करनी है। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी अच्छी होगी क्योंकि लेवल इंक्रीज़ हो गए सिक्योरिटी के, काम करना आसान हो गया। बस दिक्कत ये है कि अगर ये वाला कंप्यूटर ख़राब हो गया तो इसके नीचे वाली ब्रांच पूरी काम करना बंद कर देगी, ये वाला ख़राब होता है इसके नीचे काम बंद कर देगी, ये वाला ख़राब होता है तो ये पूरी। पर अगर रूट कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो हमारा पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है कि एक ख़राब हुआ तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। सेम चीज़ स्टार टोपोलॉजी में होती है, अगर उसका केंद्रीय कंप्यूटर यानी केंद्रीय डिवाइस यानी कि हब है, अगर वो ख़राब हो गया तो वो नेटवर्क भी पूरा बंद हो जाता है। इसमें भी थोड़ी सी कंजेशन की प्रॉब्लम रहती है। कंजेशन की प्रॉब्लम कैसे, जैसे सपोज करो इसको हम एज ए नंबरिंग देते हैं, ये कंप्यूटर 1, ये 2, ये 3, ये हमारा 4 कंप्यूटर, ये 5, ये 6, ये 7। सपोज करो 4 वाला कंप्यूटर भी 2 को भेजना चाह रहा है ना, 4 वाला 3 को भेजना चाह रहा है और उसी समय 5 वाला भी 3 को भेजना चाह रहा है, तो इस लेवल पे भी कंजेशन हो जाएगा, इस लेवल पे भी कंजेशन हो जाएगा, तो इसमें भी थोड़े से कंजेशन के चांसेस रहते हैं। पर बस ये है कि सोचना नहीं पड़ता, इस नेटवर्क को हम कितनी भी लेवल तक बढ़ा सकते हैं, तो ये इसका फ़ायदा है। थर्ड टोपोलॉजी देखेंगे अब हम लोग, थर्ड टोपोलॉजी थी हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी बेसिकली हम थोड़े से बड़े नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन मुश्किल होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी समझने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कैसे कनेक्शन हो रहा है इसके अंदर। सपोज़ करो अभी हम एक नेटवर्क बना रहे हैं जो कि सिर्फ कितने कंप्यूटर्स का है, 5 कंप्यूटर्स का है। ये कॉस्टली क्यों होती है, महंगी क्यों पड़ती है, ये इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए नंबरिंग करते हैं 1, 2,
थ्री फोर और फाइव. इसके अंदर हर एक कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. ठीक है, ये वन, ये टू, ये इस तरीके से पहला कंप्यूटर बाकी वाले कंप्यूटर से जुड़ा था. ठीक, सेकंड वाला कंप्यूटर भी ऐसे जुड़ा होगा. तो सेकंड और वन में तो कनेक्शन हो गया, ऐसे ही सेकंड और थ्री में, सेकंड और फोर में और सेकंड और फाइव में. इस तरीके से सेकंड कंप्यूटर भी डायरेक्टली सबसे कनेक्टेड हो गया. अब थर्ड देखेंगे, थर्ड वन से कनेक्टेड है, थर्ड टू से कनेक्टेड है, थर्ड फोर से और थर्ड फाइव से. अब फोर को देखेंगे तो फोर वन से हो गया, फोर टू से हो गया, फोर थ्री से हो गया, अब फोर फाइव से. तो पांच कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना पड़ा एक दूसरे से डायरेक्टली. पांच था तो हो गया, छः होते तो छः को डायरेक्टली कनेक्ट करते. अब इसके अंदर क्या है, एन जो है हमारा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, कितने कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, उसके बाद है कि हर एक पे कितने आउटपुट पोर्ट होंगे. जैसे पांच कंप्यूटर थे, एन हमारे इस एग्जाम्पल में क्या है, पांच है. हमने कितने कंप्यूटर लिए नेटवर्क बनाने के लिए, पांच लिए हैं. तो हर एक पे कितने वायर्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, एन माइनस वन पोर्ट होंगे हमारे हर कंप्यूटर पे, हर उस पे. देखिए जैसे एन माइनस वन क्या हो गया हमारा, फाइव माइनस वन यानी कि फोर. तो इस पे वन टू थ्री फोर, सेम इस पे देखें वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर. तो हर पे कितना हो रहा है, एन माइनस वन. और टोटल केबल कितनी यूज होंगी, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू. यानी कि कितना हुआ, एन क्या था हमारा, 5 था. 5 माइनस वन यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10. यानी कि पांच कंप्यूटर जोड़ने के लिए हमें कितने वायर्स की ज़रूरत पड़ी, 10 की. देखें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 फिर इसको 8 है ना, 9 और 10. टोटल 10 की ज़रूरत हमें पड़ी. तो कितने वायर्स यूज़ हुए इस कनेक्शन को करने के लिए, 10. ऐसे अगर हम और कंप्यूटर बढ़ा दें, सपोज़ करिए n हो जाए 8, तो टोटल कनेक्शन हर कंप्यूटर से कितना निकलेंगे, 7. और वो कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 6 बाय 2. यानी कि कितना हो गया, कितना हुआ, 2 थ्री ज़ा हो गया, तो 7 थ्री ज़ा 21 हो गया. तो टोटल कनेक्शन की हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 21. तो इसके अंदर वायर ज़्यादा लगते हैं तो ये कॉस्टली हो जाती है, इंस्टॉलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. ये तो पांच कंप्यूटर का नेटवर्क था इसलिए हमने बना लिया. ऐसे अगर 100 हो तो एक एक को चेक करना पड़ता है कि सारे डायरेक्टली कनेक्टेड हुए या नहीं हुए, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. पर इसका फ़ायदा क्या हुआ, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे डेटा हमारे पास भेजने के बहुत सारे रास्ते हैं. जैसे सपोज़ करो मुझे डेटा भेजना है, 3 वाले कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है 5 वाले को. एक ऑप्शन तो ये है कि वो सीधा भेज देगा. ठीक है, अगर सपोज़ करो ये रास्ता बिजी है तो क्या करेगा, 3 वाला 4 को भेज देगा, 4 वाला 5 को भेज देगा. और भी ऑप्शन है, 3 वाला 2 को भेज देगा, 2 वाला 5 को भेज देगा, या 3 वाला 2 को भेजेगा, 2 वाला 1 को भेजेगा, 1 वाला 5 को भेज देगा. मतलब एक भी रास्ता, अगर एक भी वायर टूट जाए तब भी बहुत सारे रास्ते हैं जिस रास्ते के थ्रू हम डेटा भेज सकते हैं. पर इससे पहले वाले में, इससे पहले जितनी भी टोपोलॉजीज थी उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी. अगर कनेक्शन टूटता था तो वो नेटवर्क से किसी भी प्रकार से वो कंप्यूटर जुड़ नहीं पा रहा था. पर इसमें कोई भी वायर टूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंप्यूटर किसी न किसी प्रकार से नेटवर्क से जुड़ा रहेगा. तो ये थी हमारी मैश टोपोलॉजी. इसमें कॉस्टली था, वायर केबल ज़्यादा यूज़ हुई, पर बेस्ट थिंग ये है कि इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं डेटा भेजने के, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा रह सकता है. चाहे एक रास्ता ख़राब हो जाए, यानी कि चाहे एक जो वे था उसमें इसको ब्लॉकेज मिले, चाहे दूसरे में मिले, वो किसी ना किसी वे से डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएगा. अब हमारी जो फोर्थ टोपोलॉजी थी वो थी हमारी रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर रिंग के आकार में जुड़े होते हैं, यानी कि सर्कुलर वे में जुड़े हुए होते हैं ना. तो फोर्थ टोपोलॉजी जो है हमारी वो है रिंग टोपोलॉजी. इसके अंदर कंप्यूटर एक रिंग के आकार में जुड़े हुए होते हैं. इसमें जो कंप्यूटर में डेटा फ्लो होता है वो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे होगा. तो इस वजह से इसके अंदर कंजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती. मैश टोपोलॉजी में तो थी ही नहीं कंजेशन, क्योंकि बहुत सारे रास्ते थे डेटा जाने के. इसके अंदर भी कंजेशन के चांसेस थोड़े कम रहते हैं. क्यों? क्योंकि या तो डेटा क्लॉकवाइज जा रहा होता है या एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज कैसे, जैसे कि देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 कंप्यूटर है. अब इसके अंदर दो मेथड यूज़ होते हैं. एक तो ये कि सबको
टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि ये सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं कि भाई 11 से 12 ये यूज़ करेगा, 12 से 1 ये यूज़ करेगा, 1 से 2 यूज़ करेगा, ऐसे टाइम स्लॉट देते हैं। पर इसके अंदर क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि सपोज करो 11 से 12 जो इसका टाइम था उस समय से कुछ डेटा ही नहीं भेजना, तो इस समय पूरे हमारे नेटवर्क के रिसोर्सेज क्या होंगे, वेस्ट होंगे। तो एक तो ये मेथड है जिसमें हम टाइम स्लॉट दे देते हैं कि भाई ठीक है आपका ये टाइम है, आपका ये टाइम है, उसमें आप अपने नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, पर इसके अंदर नेटवर्क प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता है। तो एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं टोकन मेथड। इसके अंदर एक टोकन मूव होता रहता है, तो वो टोकन जिसके पास होता है अगर उसको डेटा भेजना है तो ठीक, नहीं तो वो टोकन आगे चला जाएगा और इस तरीके से वो पास होता जाएगा, तो जिस समय जिसको ज़रूरत है वो नेटवर्क का यूज़ करके अपना डेटा भेज सकता है। इसके अंदर टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी के अंदर क्या हुआ, थोड़ी सी कंजेशन प्रॉब्लम कम हुई, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ और ये सिंपल थी। तो लैन में रिंग टोपोलॉजी यूज़ होती है, इसके अंदर पहले ही डायरेक्शन सेट हो जाता है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो कंजेशन के कोई चांसेस ही नहीं रहते, डेटा हमेशा एक ही दिशा में जाएगा, अगर इसका चांस निकल गया तो दोबारा यूँ पहुँच के ही आएगा, तो कंजेशन की दिक्कत नहीं रहती। लास्ट टोपोलॉजी जो है वो है हमारी बस टोपोलॉजी, सबसे सिंपल टोपोलॉजी है। एक सिंपल सी केबल होती है जिसको हम कहते हैं बस, जो एक बैकबोन की तरह काम करती है डेटा भेजने के लिए, एक बड़ी केबल होती है उससे सारे कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। इसके अंदर डेटा ट्रैवल का होता रहता है, वो जिस कंप्यूटर का डेटा है सिर्फ उसी कंप्यूटर का, वही कंप्यूटर सिर्फ उस डेटा को ले सकता है, बाकी कोई और डेटा नहीं रहता है। इसको बस कहूँ या मेन केबल कहूँ बात एक ही है। इसके अंदर डेटा ट्रैवल होता है, हम इसके अंदर डेटा भेज देते हैं, अगर सपोज करिए वो कंप्यूटर नंबर 3 का डेटा होता है तो इस केबल में ज़रूर होता है, पर उस डेटा को सिर्फ कौन ले सकता है, कंप्यूटर नंबर 3 ही ले सकता है। तो ये सिंपल कनेक्टिविटी है, बिल्कुल सिंपल, एक केबल यूज़ कर रहे हैं, उस केबल से हमने सारे कंप्यूटर जोड़ दिए। तो ये हमारी सारी थी टोपोलॉजीज़, हमने सारी 5 टोपोलॉजीज़ एक एक करके पढ़ ली हैं। थैंक यू। ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारा डिस्कस करने से रह गया था। एडवांटेजेस क्या था, सबसे बड़ा कि सिंपल है, इसमें कनेक्शन करना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा नेटवर्क है तो हम बस टोपोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं। पर इसका सबसे बड़ा दिक्कत है यानी कि डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों, क्योंकि सारा डेटा किस में, इस मेन केबल में, तो इसमें डेटा हैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो सिक्योरिटी जहाँ पे हमारा मेन कंसर्न है वहाँ पे हम बस टोपोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे। थैंक यू।